नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर यमन के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, राग यमन का राग व्याकरण। देखिए दोस्तों, जब मैं लेक्चर नंबर 21 ले रहा था राग व्याकरण, जब मैंने आपको एक राग को आधार लेके उसकी पूरी व्याकरण समझाई थी, राग व्याकरण होता क्या पूरा बताया था, याद कीजिए, मैंने उसमें राग पटदीप का एग्जाम्पल लिया था। अब क्योंकि राग यमन चल रही है हमारे, कम से कम देखिए अब मैं 71 लेक्चर पे पहुंच चुका हूँ, 11वां लेक्चर है ये मेरा यमन का। यमन से पहले 60 लेक्चर्स लगा दी सिर्फ आपका बेस क्लियर करने के लिए, खून पसीना एक करके जरूर देखिएगा दोस्तों। उसके अलावा याद कीजिए, जब मैं लेक्चर नंबर 27 ले रहा था, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अगर आप अभी जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसमें मैंने बताया था कि राग का क्रमिक अभ्यास कैसे राग सीखे हम, उसमें मैंने एक राग व्याकरण का भी जिक्र किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यमन के संदर्भ में आपके लिए राग व्याकरण लेके आया हूँ। राग व्याकरण सर्वप्रथम होता क्या है, अर्थात स्वरों का प्रयोग, किस तरह यमन के प्रत्येक स्वर, हमें पता है यमन में सारे गा म तीव्र होता है, पौधा नीसा, ये सात स्वर है जिनका इसमें प्रयोग हुआ, लेकिन एक एक स्वर को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसकी स्वर संगतियां बनाई है। ये पूरा टेबल मैंने खुद की अपनी कल्पना शक्ति से मैंने इसको तैयार किया है। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, पहले तो स्वर लिखे हैं, बट ऑफकोर्स यमन में सारे गामा पौधा निशा ये सात स्वरों का प्रयोग है। किस प्रकार का न्यास है, क्योंकि राग बनता कैसे दोस्तों, न्यास करने में, जब तक न्यास नहीं होगा राग बनेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो न्यास सबसे आधारभूत चीज है राग को दर्शाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब न्यास दो तरीके के मैंने बताए थे जब मैं लेक्चर 21 ले रहा था, अल्पत्व और बहुत्व। अल्पत्व मतलब अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, बहुत्व मतलब बहुत बार, रिपीटेशन, बार बार। ठीक है, अब इसकी भी फर्दर मैंने दो कैटेगरीज बता दी थी आपको, वो जरूर आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्वर संगतियां बताई हैं कि इस स्वर का मतलब इन स्वरों का इन स्वर संगतियों द्वारा कैसे इंपॉर्टेंस दर्शाया जाता है, किस तरीके से ये स्वर यमन में दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार इन स्वरों को लांग देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ आएगा, लांगना मतलब उस स्वर को इग्नोर करते हुए आगे चले जाना, वो जब मैं अभी आपको समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का यमन का राग व्याकरण। सर्वप्रथम षड्ज, देखिए हम जानते हैं किसी भी राग में षड्ज वर्जित हो ही नहीं सकता। अभी ये जो तानपुरे की आवाज सुन रहे हैं, अब मैं यही वर्जित कर दूंगा तो मेरा आधार स्वर मैं कैसे पकड़ूंगा, बट ऑफ कोर्स ये हमें पता है, ये मैं जब राग के नियम कर रहा था मैंने आपको बता दिया था। तो अब षड्ज का इस यमन में क्या प्रयोग है, देखिए क्या लिखा है मैंने, इधर फोकस करते हैं हम। क्षणिक अल्पत्व मतलब कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा उसका यूज हो जाता है, कैसे, अब देखो, अब उठावी यमन का क्या है, नीरेगा, हालांकि बाकी के सारे राग देख लो आप षड्ज से शुरू होते हैं, लेकिन कुछ ही के दुखे राग ऐसे जो ग्रह स्वरी सा के अलावा होता है जिसका, हाँ मेरे को आधार स्वर लेने के लिए तो सा लगाना पड़ेगा मन में, परंतु मैं उठाव कैसे करूंगा यमन का, मेरे गरे मेरे गरे सा। तो देखो क्षणिक अल्पत्व हो गया ना, थोड़े टाइम के लिए गायब हो गए, लेकिन फिर वापस सा पे हम आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इसका लंघन अर्थात सा को इग्नोर ही, कब किन किन स्वर संगतियों में सा को इग्नोर ही कर दिया हमने, तो देखो निरे गा गरे निधर निरे गा। अब देख लो यहाँ पे सा का लंघन हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैं मद्र सप्तक का निषाद और बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये षड्ज का क्या हो गया दोस्तों, लंघन। अब आते हैं ऋषभ पे, अब ऋषभ का इस राग में दो तरीके का हमें प्रयोग दिखता है। ठीक है, राग व्याकरण तथा स्वरों का प्रयोग, तो पहले आरोह में तो क्या है इसका, अल्पत्व। अब देख लो आप, मैं रे को बार बार आरोह में नहीं दिखा रहा हूं ना, मैं रुक रहा हूं, कभी भी ऐसे थोड़ा हो रहा है, ऐसे थोड़ा हो रहा, मैं कैसे कर रहा हूं,
धनी रे गा पे रुक रहा हूँ रे पे नहीं रुक रहा धनी रे गा समझ आ रहा है नीरे सा। तो देखो क्या लिखा मैंने आरो में अल्पत्व है तो देखो नीरे का गरे सा धनी रे गा ठीक है। अब मेन ऋषभ की इम्पोर्टेंस क्या है जब मैं उतर रहा हूँ मतलब देखो अवरोह में न्यास बहुत मतलब मैं रुकूंगा भी और बार बार भी प्रयोग करूंगा लेक्चर 21 जरूर देख लेना। देखो नेरे करे उतर रहा हूँ तो रे पे रुक रहा हूँ नेरे करे गामा गामा पामा करे करे गामा पारे गरे रे सा ठीक है दोस्तों। अब कौन सी ऐसी स्वर संगति है जिसमें हम रे को भी लांग देते हैं अर्थात रे को आगे इग्नोर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ निगारे सा। अब देखो निगा रे रे से कूद गया ना मैं रे को मैंने नहीं लगा निगारे सा उतरते टाइम लगा दिया निधागारे सा। देखो निधागारे सा ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं राग के राजा स्वर पे अर्थात गंधार पे। अब गंधार के लिए क्या लिखा है संपूर्ण न्यास बहुत्व अर्थात वादी स्वर संबंधित न्यास देख लो। अब ग बिना ग के यमन का अस्तित्व नहीं है तो ये मान लो कि अब देखो ग की इंपॉर्टेंस नेरे का जहाँ पे भी कॉमा लगाता हूँ मतलब उस पे न्यास करना है आपको नेरे का मा रे का मा रे का नेरे का। इसके अलावा खूब तरीके के आप न्यास दिखा सकते हो धागा धनी रे गा माने मानी धा पारे माकर किसी भी तरीके से आप आओ गंधार पे अल्टीमेटली आप न्यास करोगे। पूर्वांग का आप मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट स्वर है और उत्तरांग का संवादी स्वर है नी तो पूर्वांग की रक्षा कौन कर रहा है राजा स्वर। उत्तरांग की रक्षा कौन सा स्वर कर रहा है मंत्री स्वर। राजा स्वर ग है मंत्री स्वर नी है ठीक है दोस्तों। अब ऐसी कौन सी स्वर संगति दोस्तों जिससे हम राजा स्वर को भी लांग देते हैं पारे। अब देखो पारे ये थोड़ा कर रहा हूँ पारे पामागरे ये तो मैंने ग को लगा दिया लेकिन पारे तो इससे ग का लंघन कर लेते हैं ठीक है दोस्तों। अर्थात उसको लांगना इग्नोर कर देना। तीव्र मध्यम क्या लिखा है अनभ्यास अल्पत्व। देखो न्यास या तो अभ्यास होगा या अनाभ्यास होगा। अभ्यास बहुत होता है और अनाभ्यास अल्पत्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ अल्प मतलब कुछ टाइम के लिए प्रयोग लेकिन अनाभ्यास मतलब बार बार अभ्यास भी नहीं होगा। आप देख लो तीव्र मध्यम को ग म प प म ग म द प। अब मैं बार बार यमन में ये थोड़ा करता हूँ निर ग म म म ग म म प म ग म प ध प म ये नहीं हो रहा ना। तो क्या लिखा अनाभ्यास अल्पत्व ग म प मतलब मध्यम आ रहा है उसमें बार बार अभ्यास नहीं कर रहा मैं लेकिन अल्प टाइम के लिए आ रहा है तो अनाभ्यास अल्पत्व। तो यही स्वर संगति ग म प प म ग माधा पा ठीक है दोस्तों। अब कौन सी ऐसी स्वर संगति जिसमें तीव्र मध्यम का हम लंघन कर देते हैं। देखो किस स्वर संगति में स्वर का लंघन होता है तीव्र मध्यम के संदर्भ में बता रहा हूँ ग म प रे। पहले तीव्र मध्यम को लगाया फिर आगे बढ़ने के लिए उतरने के लिए तीव्र मध्यम को मैंने लांग दिया देखो ग म प रे। तो प रे की स्वर संगति में ग का भी लंघन हो गया और तीव्र मध्यम का भी लंघन हो गया ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्वर संगतियां हैं इसी से पूरा आपका यमन तैयार होता है। और देखो एक और स्वर संगति लिखी है मैंने नी नी धा पा ग
नीधा पाद। तो यहाँ पे भी देख लो तीव्र मध्यम इग्नोर हो गया ना, समझ आया। तो ये लंघन की स्थिति आ गई तीव्र मध्यम के संदर्भ में। अब आते हैं पंचम पे। देखिए वैसे तो वादी स्वर कौन सा इस राग का कंधार, लेकिन वादी स्वर से थोड़ा सा अगर मैं कहूं नेक्स्ट टू वादी स्वर जिसकी इंपॉर्टेंस है, थियोरेटिकली निषाद है, लेकिन अब आप देखो विचरण इसका, देखो इस स्वर का पंचम का आरोह में भी जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी अवरोह में भी है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, न्यास बहुत, मतलब न्यास भी करेंगे रुकेंगे भी, न्यास मतलब रुकना और बार बार भी आएगा। तो देख लो आप ठीक है दोस्तों, कौन सी ऐसी स्वर संगति जिससे पंचम को भी लांग देते हैं। तो ये यमन की चलन माधा पा, तो इसमें मैंने पंचम को लांग दिया ना, माँ से सीधा धा लगा दिया, पा को लांग दिया माधा, फिर पा पे आया, समझ आया। आते धैवत पे। धैवत में मैंने क्या लिखा है, दो तरीके के प्रयोग होते हैं धैवत में राग यमन में। एक तो होता है अनाभ्यास अल्पत्व, वही देखो वही स्थिति आ गई जो तीव्र मध्यम की। तो देखो मारानी धपा, देखो मारानी धपा, धैवत को धा धा मारानी धा, ये अभ्यास, इसको कहते हैं अभ्यास, लेकिन अभ्यास नहीं हो रहा ना। मारानी धपा एक प्रकार ये, दूसरा क्या लिखा है धीर्ध बहुत, मतलब बार बार दिखाऊंगा भी उस स्वर को लेकिन धीरे से, धीर मतलब धीरे। तो देखो मारानी धा, इसको कहते हैं धीर्ध बहुत, मारानी धा और अनाभ्यास अल्पत्व मारानी धा, ठीक है दोस्तों। ऐसी कोशिश कौन, ऐसी कौन सी स्वर संगति जिसमें धैवत का लंघन हो जाता है, तो पौसा। अब देख लो आप यमन के खूब सारे बंदिशें देख लो, पौसा जाती है उसका अंतरा पौसा जाता है। इनफैक्ट यमन से बनने वाले राग में आपको आगे के लेक्चर्स में आपको पता चलेगा अमीर केदार छायानट कामोद ये पौसा पौसा से उठते अंतरे। पौसा, अब पासा पासा में दैवत और निषाद दो स्वरों का लंघन हो गया दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे पासा लिख दिया। बहुत मेहनत से बनाई है ये लेक्चर, एक एक चीज की मैंने रिसर्च की तब जाके लेके आया, एक ही राग में आपको एक एक चीज उसकी मैं आपके लिए डिटेल में लेके आया हूँ दोस्तों। तो प्लीज इसकी कदर कीजिए और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। आते हैं मंत्री स्वर पर निषाद, क्या लिखा है न्यास बहुत, मतलब जो स्थिति पंचम की है, जो स्थिति निषाद की है, जो स्थिति मल्हार की है। याद करो राग का लक्षण करा रहा था उसमें न्यास के स्वर बताए थे, क्या बताया था सा गा पौर नी, देख लो वही चीज लिखी है मैंने, हो गई ना टैली आज। तो देखो मादनी नी धनी सानी नी धनी रे सानी रे धपा रे ग मादनी मानी धपा। तो ये नी की इंपॉर्टेंस, मतलब जो इंपॉर्टेंस गंधार की पूर्वांग में वही इंपॉर्टेंस उत्तरांग में निषाद की, ठीक है दोस्तों। अब इसका कौन सी स्वर संगति जिसमें निषाद का क्या हो जाता है दोस्तों, लंघन। तो देखो निधसा मुख्य अंग है यमन का। अब देख लो इसमें धसा आ गया, ध के बाद सीधा सा आ गया तो नी को लांघता हुआ गया ना, तो नी का लंघन हो गया निधसा। दूसरी स्वर स्वर संगति माधा माधसा, एक राग कराऊंगा वैसे आपको हिंडोल सागा मादा नीदा ऐसे जाएगी वो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा किस प्रकार यमन का व्याकरण हम अपने गायन में दिमाग में रखें तो पूर्ण रूप से हम यमन को प्रकट कर सकते हैं।
एक नमूने के तौर पे मैं राग व्याकरण को ध्यान में रखते हुए एक आलाप आपको मैं करके बताता हूँ और इसी से आज के लेक्चर का समापन करेंगे। ने रे गा रे गा रे नी दा नी रे सा धन रे गा मा रे गे लेक्चर समझ आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अपनी संगीतमय सेवा को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए मैं आगे आता रहूंगा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।